निर्वाचन क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में कल से 3 दिन मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2022 के अंतर्गत राज्य के 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62, पंच के 52 पदों पर सविरोध निर्वाचन के लिए 28 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में और सीमावर्ती क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 2 दिन पहले से लेकर मतदान और मतगणना तिथि तक यानी कि 26 से 28 जून तक कुल 3 दिन मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में आबकारी विभाग द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है। बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, बीजापुर, बस्तर और कोंडागांव जिले के उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदान होना है और इन निर्वाचन क्षेत्रों से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा के तहत 3 दिन शराब दुकान बंद रहने के लिए घोषणा की गई है। इस दौरान प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर किसी भी होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, भोजनालय आदि जगहों पर मदिरा बेचने, परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण पर और गैर लाइसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भंडारण पर सख्ती से रोक लगाने और उन्हें जब्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।